तो पकोड़े तलने के लिए फिर एक ठिया तो दिलवाओ, कम से कम संसद भवन के सामने हो जिस पर पकोड़े तलने में मजा आए, क्योंकि पकोड़े 40 रुपए की प्लेट बिके जब गुजारा होगा, क्योंकि बेसन इतना महंगा है इन लोगों को नहीं पता। अच्छा हम लोग नहीं खा, हम लोग कौन खाएगा, कम से कम यही खा पाएंगे ना। संसद भवन में जो कैंटीन है वो उन्हें दे दे, इन बेरोजगारों को ये सब चले जाएंगे बेचारे, क्या दिक्कत है। तो हम लोग अंधकार में कब तक रहे सर, बिना मंजिल के कब तक चले? आपको अभी हम यहाँ से कह देंगे धनबाद जाना है, तो आपको पता तो है कि धनबाद जाना है। हम लोग को ये 2030 में होगा कि 2050 में होगा, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग को पता ही नहीं है कि नहीं होगा, ये नहीं होगा तो बोल दिया कि नहीं होगा। हम तो भर्ती आपसे मांगे नहीं थे, आप तो खुद आके भर्ती दिए हैं। बच्चे को आना पड़ रहा है, सरकार इतनी आराम से मजे में, जब तुम सत्र करते हो डोनाल्ड ट्रंप के एक एक मिनट का पता था कि डोनाल्ड ट्रंप किस समय कहाँ जाएंगे, शौचालय जाएंगे नहीं जाएंगे, इनको ये नहीं पता कि पेपर कब कराना है। बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ है, उनके से कोई नहीं है, अपने मजे में मजे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे का जो शेड्यूल है, जो पिछले साल उन्होंने भर्तियां निकाली थी, बस उस शेड्यूल को ये लोग जारी कर दें, कब एग्ज़ाम लेंगे, कब पहला फर्स्ट फेज़ पूरा करेंगे, कब सेकंड फेज़ पूरा करेंगे, उसमें पारदर्शिता पूरी उसकी जानकारी दें समय पर स्टूडेंट को, जिससे कि वो अपने समय पर सारी चीज़ें की, क्योंकि गांव देहात का स्टूडेंट होता है उस तक नहीं पहुंच पाती ऑनलाइन चीज़ें, तो उसके बारे में समय दें। उसके अलावा कब तक ज्वाइनिंग देंगे वो पूरी प्रक्रिया का एकदम क्लियरली कैलेंडर वाइज, जैसे चुनाव होते हैं जैसे बाकी चीज़ों की डेट होती है, ऐसी पूरी पूरी प्रक्रिया जारी करें। हमें देते नहीं है सरकार, देते हैं ना, इन्होंने बेवकूफ़ बना के देते हैं, मूर्ख बनाते हैं लोग। उन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने एग्जाम निकाला तो इन्होंने जून से सितंबर दे दिया, लेकिन इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, इन्हें पता था कि कोई कुछ पूछने वाला तो है नहीं हमसे। इन्होंने अगर आप कोई एग्जाम निकाल रहे हैं, आप भी कोई, तो जैसे आपके घर में कोई समारोह होता है तो आप कुछ तैयारी करते हैं ना, भाई इतने व्यक्ति आएंगे, इतनों का खाना बनेगा, कम ना हो, तभी तो आप समारोह आयोजित कर देते हैं, क्या डेट दे दी कि आ जाना, ऐसे थोड़ी ना कोई आपके यहाँ आएगा। तो उन्होंने एग्ज़ाम निकाल दिया बेवकूफ़ बनाने के लिए, और उसकी इनके पास कोई तैयारी नहीं थी। इवन आज इन्होंने ये सब प्रोटेस्ट जब यूट्यूब पे और ट्विटर पे ट्रेंड हुआ है, नंबर 1 ट्रेंड चला NTPC 2019, तब जाके इन्होंने आज 2 मार्च को एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी होती है जो एग्जाम कराएगी, उसका टेंडर निकाला है, और आज भी उस प्रक्रिया को 2 साल में कम्प्लीट होने के लिए आज से बोला है, 1 साल ऑलरेडी हो चुका। हमारा यही है कि मतलब आप अपने काम से क्यों भाग रहे हो, उनका काम है ये, रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उनका काम ही है हमें भर्ती करना, भर्ती आपने निकाली भी तो उसको जिम्मेदारी से समय पर क्यों पूरा नहीं कर रहे, ये अपनी बात है। अभी भर्ती एग्जाम हुआ नहीं है, कहां हुआ, उसी के लिए तो हम लोग बैठे हैं, एग्जाम की डेट भी नहीं है सर, एग्जाम तो तब होगा, डेट भी नहीं है उसी के लिए, हम लोग तो एग्जाम डेट के लिए। किसकी कमी लग रही है इसमें, क्या जो भर्ती बोर्ड है उसकी, सर सीधी सीधी सरकार की जो मंत्री है उसकी कमी, उसको अपने विभाग का नहीं पता कि बच्चे रोड पर बैठे हैं, यही उन राज्यों से उन्होंने चुनकर भेजा है, उस विभाग के अधिकारी की कमी है जिसको उसका पूरा उसको पता ही नहीं, उसको उसका काम हम लोग बताने आए कि भाई तुम्हारा काम है हमारा एग्जाम लेना, हम एग्जाम देना चाहते तुम ले ही नहीं रहे। जिस गोयल साहब की सीधा सीधा धोखाधड़ी है क्या? सीधी धोखाधड़ी है उनमें, धोखाधड़ी क्या, मूर्ख बनाने वाली बात है कि वो बंदा तो इतने चोर लोग हैं कि इन्होंने ट्विटर पे चुनावों से पहले ट्विटर पे एक वो डाल दिया था 10,000 RPF की, इसका तो चलो भगवान की कृपा से वो आ गया, फॉर्म आ गया, फॉर्म भर दिए, एक इन्होंने ट्वीट डाल दिया था कि 10,000 RPF की वैकेंसी आनी और उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, वो डिलीट 3 साल हो गए, डिलीट भी नहीं किया, वो ऐसे चल रहा, उसका कुछ नहीं पता क्यों बोला थी ऐसी बातें, झूठ बोल देती है क्या सर, झूठ झूठ की बात हो रही है सारी, अब ये झूठ ही तो है सारा का सारा, ये कहाँ से किसमें सच्चाई क्या, सत्याग्रह के लिए तो आए हैं। चुनाव से पहले बोला गया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा और मात्र 35,000 वैकेंसी, जिसके लिए आज बच्चे यहाँ खड़े हैं, 35,000 वैकेंसी के लिए कम से कम 3.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा, 35,000 एक वैकेंसी है NTPC की मांग के लिए जिसके लिए खड़े हैं, और एक आपका ग्रुप डी की जो आपका जिसमें लगभग 1 लाख पद है, 1,35,000 पदों के लिए जिसको आप 2019 में फॉर्म निकाले थे 28 फरवरी 2019 को, और आज उसका 2 मार्च 2020 आ गई है, और आज कह रहे हैं कि अब हम परीक्षा लेने वाली एजेंसी को ढूंढ रहे हैं, वो टेंडर दे, और टेंडर देने के बाद जब हम उसको जो है आपका अप्रैल में टेंडर वापसी लेंगे, जब उसके बाद उसे फाइनलाइज करेंगे, तब उसके 2 साल बाद उसको समय मिला है कि 2 साल बाद तक वो पेपर करा सकती है। अब एक बच्चा जिसने 2019 में फॉर्म भरा था वो जाके आपका 2022 तक इंतजार करेगा तो क्या मतलब फायदा होगा? तो ये जो रेल मंत्री और आपका रेल मंत्रालय बिल्कुल ठंडे बस्ते में सो रहा है, तो इसकी अब हद एक पार हो चुकी है। स्टूडेंट जागा है, जो आपका उड़ीसा, झारखंड, आपका पश्चिम बंगाल, हर जगह से बच्चा आया, तो उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, इस डर की वजह से कि बच्चा दिल्ली में प्रोटेस्ट कर दे, तो उन्होंने सिर्फ एक आज
एक मतलब उसे तो मैं लव लेटर ही कहूंगा सरकार की तरफ से जो जारी करा उन्होंने कि आपका कह दिया कि आपके लिए एजेंसी चूज कर रहे हैं। ये बच्चा पागल है जिसने एक साल पहले जो एक अपनी दुकान पे नौकरी कर रहा था उस नौकरी को छोड़ के और आज जो है नौकरी छोड़ी, एक साल तैयारी करी, अपना पैसा लगाया, समय खर्च करा और आज उसे रोड पे उतरना पड़ा है ये कहने के लिए जी मेरा पेपर ले लो। मतलब पेपर लेने के लिए बच्चे को आना पड़ रहा है सरकार इतनी आराम से मजे में, जब तुम सत्र करते हो डोनाल्ड ट्रंप के एक एक मिनट का पता था कि डोनाल्ड ट्रंप किस समय कहां जाएंगे, शौचालय जाएंगे नहीं जाएंगे, इनको ये नहीं पता कि पेपर कब कराना है। बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ है, उनके से कोई नहीं है, अपने मजे में मजे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कब तक ये चलेगा? पेपर करना जरूरी है, और भी तो काम कर सकते हैं, मोदी जी कह रहे हैं पकौड़े बनाइए। हाँ तो पकौड़े तलने के लिए फिर एक थिया तो दिलवाओ, कम से कम संसद भवन के सामने हो जिस पर पकौड़े तलने में मजा आए, क्योंकि पकौड़े 40 रुपए की प्लेट बिके जब गुजारा होगा, क्योंकि बेसन इतना महंगा है इन लोगों को नहीं पता। अच्छा हम लोग नहीं खा, हम लोग कौन खाएगा, कम से कम यही खा पाएंगे ना, संसद भवन में जो कैंटीन है वो उन्हें दे दे इन बेरोजगारों को, ये सब चले जाएंगे बेचारे, क्या दिक्कत है, काम चलाएंगे, पार्किंग दे दे इन लोगों को, पार्किंग भी उन लोगों को मिलेगी ना जिनकी बढ़िया बात है, जो बढ़िया सफेद कुर्ते में उतर रहे हैं। सरकार हम नौकरी तो दे रहे हैं, सरकार ने कहा दिया आज तक एक भी रिकॉर्ड, डाटा लाए ना बच्चों के सामने, बच्चे बताएंगे संसद में बोलने से, क्योंकि बच्चा जा नहीं पाता ना संसद में, दिक्कत तो ये है वहां जाएगा तो पहले ही वो खड़े बंदूक लिए यार पे, उन बच्चों का डाटा लाओ ना सामने, बच्चा मांगने के लिए आज जंतर मंतर पे बैठा क्यों नहीं आएगा? आरटीआई लगाई गई थी बताइए आप, तो ये है दिक्कत, युवाओं पर हमला है क्या? किस पे? युवाओं पे सरासर हमला, जिसके लिए कोई रोजगार आज तक है ही नहीं, दिखाओ तो सही एक भी लिस्ट कहीं उत्तर कोई से भी स्टेट में, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कह रहा हूँ, किसी भी स्टेट में एमपी का हालत देख लो, दिवालिया घोषित हो रहा है, रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि जी आप वैकेंसियों को कम कर दो, रोजगार दो मत, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। जब बच्चों को रोजगार नहीं दोगे तो क्या कहोगे? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निकाल के अगर एक भी व्यक्ति को नौकरी मिली हो, किसी को मिली है भाई? बताइए, जब किसी को नौकरी नहीं मिली तो क्या फायदा उस योजना का, उस पर पैसा खर्च करने से बढ़िया 1,000 करोड़ रुपए फॉर्म भरने के बच्चे से लेते हैं, टेंडर की फीस कितने करोड़ रुपए? 250 करोड़ रुपए, 251 करोड़ रुपए, ठीक है जी, 700 करोड़ रुपए इनसे पूछो कहां गए वो, 251 करोड़ रुपए में टेंडर जारी कर रही है। अरे उन बच्चों का भला देखो जो कम से कम एक साल से नौकरी छोड़ के बैठे, तो गरीब तबके आपको नौकरी चाहिए, आपको धारा 370 राम मंदिर बन गया, राष्ट्र हित में देश हित में जो मुद्दे हैं, जो देश हित में राष्ट्र हित में मुद्दे हो रहे हैं उसे एक युवा से क्या मतलब है? युवा अपना पेट भरेगा अपने परिवार का नौकरी करके, उसको इस रोजगार इससे मतलब नहीं है, मतलब है उससे तब जब उसका पेट भर रहा होगा, इसका पेट भर जाएगा तो ये खुद कहेगा कि हाँ राष्ट्र हित में जो हो रहा है वो मैं तैयार हूँ, पर लेकिन जब भूखा मरेगा तो पेट राष्ट्र हित कहाँ से आएगा? रोजगार चाहिए उससे पहले, ये सबसे बड़ी समस्या। जुमले थे क्या 15 करोड़ रुपया 15 लाख रुपए घर पे हर अकाउंट में 2 करोड़? 15 लाख जुमले पे तो मैं नहीं बोलूंगा सर, क्योंकि वो एक सरकारी मामला है और वो सरकार जाने कि किसके खाते में आए किसके नहीं। क्या मजबूरी हो रहा? कई सारी परीक्षाओं में देखा है बहुत सारे स्टूडेंट जो बेरोजगार लड़के हैं वो बार बार धरने करने आ रहे हैं, क्या वजह हो रही है, आखिर सरकार से कहां कमी हो रही है? सरकार से कमी इतनी हो रही है कि सरकार रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है, और युवाओं का जो मामला है उन्हें ये लगता है कि युवा अब आपका संसद में नहीं आ सकता, और युवा अगर संसद में नहीं आ सकता तो मतलब आप लोग आराम से मजे काटे जाओ, पर लेकिन अब देश का युवा जागा है, हर स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आज चल रहा है आप जाके देख लो, हर जगह आपका एमपी में चल रहा है, हर जगह से बच्चा जागेगा, जब ये राम मंदिर चाहे आपका 370 चाहे आपका देशित ये सब भूल दिए जाएंगे, और फिर तुरंत एकदम एक रोजगार का मुद्दा नहीं, आप कहोगे कि युवाओं की आवाज होगी, इन युवाओं ने इनको जिता के भेजा है, सरकार को गलत मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपने हैं, पर ये जिन अपनों को अपनों ने जिता के भेजा वो आज उन अपनों का खैर भी कर, जब ये रैली करने जाते हैं तो 5 लाख युवा ही होते हैं यही, और आज जब यहाँ युवा इकट्ठे हुए तो इन्हें अपने घरों में से निकलने की भी फुर्सत नहीं है, 5 साल बाद इनको फिर याद आएगा यही युवा, ये ध्यान रखना। तो आपको सीए से कोई मतलब? हमें सीए से मतलब क्या, सीए हमें संविधान में पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन आएगा लगा देंगे आंसर, हमें क्या मतलब सर संविधान सीए से क्या मतलब है कि जो हम आर्टिकल्स पढ़ाते हैं या जो आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं आज उनका हमने असलियत में यूज देखा कि 2 घंटे हम लोग सिर्फ इसलिए चक्कर काट रहे थे कि हमें ये परमिशन मिल जाए कि हम यहाँ बैठ सके, वैसे हम पे राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, बट सिर्फ यहाँ बैठने के लिए भी हम 2 घंटे थानों के चक्कर काट रहे थे कि सर हमें परमिशन दे दीजिए कि हम एज अ स्टूडेंट यहाँ बैठ सके, सिर्फ अपनी एक डिमांड रख सके कि हमारी जो एनटीपीसी की डेट नहीं आई है, 2019 में फॉर्म आया था, एक साल पहले फॉर्म आया था, उसकी आप डेट दे दीजिए।
तो ये सर ये हम पढ़ते हैं और ये इसका प्रैक्टिकल सर सिर्फ एक है, दूसरी डिमांड भी नहीं है, सिर्फ एक डिमांड है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी जो रेलवे ने वैकेंसी निकाली थी 28 फरवरी 2019 को, उसकी एग्जाम डेट CBT 1 CBT 2 साइको और किस दिन तक आप ज्वाइनिंग दे देंगे, फाइनल ज्वाइनिंग की डेट तक अब हमें शेड्यूल दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। करप्शन का भी कुछ, करप्शन का कोई रोल नहीं है सर, जब परीक्षा ही नहीं हुई तो करप्शन हो सकता है, करप्शन होगा जब जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा। और हाँ, अगर डेट नहीं दे रहे तो इसका मतलब कोई जुमला था जो दे के बच्चों को बहका दिया गया चुनाव से पहले। बस मैं ये आप लोगों से, जो चौथा पिलर कहा जाता है आपका भारत का संविधान का, चौथा पिलर कहा जाता है मीडिया, अगर वो जिसको आपका आजादी भी दी गई आर्टिकल 19(1) में, अगर आप लोग प्रेस की स्वतंत्रता के तहत हमारी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं तो इन विद्यार्थियों का जो दूर दूर से आए 900,000 किलोमीटर से, आप सभी का धन्यवाद होगा, आपने कम से कम यहाँ आके पूछा, इसके लिए एक बार सलूट है सबको। मीडिया कहाँ नौकरियों पे बात कर रहे हो, तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा काफी है मीडिया, तो वो जुमले वाले हो सकते हैं। दिन शाम को जब आप डिबेट देखते हैं ज्यादातर युवा तो उसे पसंद करते हैं। हाँ, ये भी एक शर्मनाक स्थिति में कहूंगा कि बड़ी मीडिया ने किसी ने भी आके स्टूडेंटों का सपोर्ट नहीं किया। ये भी एक मैं कहना, की जितने भी हमारे बड़े चैनल है ना, सीधी बात है, जो हमारे बड़े चैनल है जिन्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए वो शायद सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे होंगे या वो कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज पे बात कर रहे होंगे, लेकिन जितने भी हमारे न्यू चैनल्स हैं या जिनको पब्लिक नहीं जानती या कह सकते हैं सोशल मीडिया यूट्यूब, वो आज भी एजुकेशन पे बात कर रहा है, वो आज भी जॉब के लिए बात कर रहा है। तो मतलब भयानक स्थिति है, मतलब देश में सर बहुत ज़्यादा सर बेरोजगारी की, मतलब अगर मैं इसकी एनटीपीसी की बात करूं, 2,35,00,000 फॉर्म भरे गए हैं और 1,35,000 1,30,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, बाकी सबको तो अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कन्हैया कुमार जो लगातार कह रहे हैं कि युवाओं पर हमला है, बेरोजगारी पर बात नहीं हो पा रही, सर जीडीपी गिर रही है सर, उस पर यहां का कोई भी स्टूडेंट जवाब नहीं देगा, क्योंकि सिर्फ उसकी एक मांग है एनटीपीसी की डेट जारी करो बस। सुन लीजिए सर, आप बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, आप वैकेंसी नहीं निकलने की बात कर रहे हैं, कन्हैया कुमार तो यही कह रहा है, छोड़ दीजिए क्या है, लेकिन जो उसके जो वो लगातार बात कर रहा है कि जीडीपी पर बात नहीं हो रही, बेरोजगारी पर बात नहीं, उस पे कुछ नहीं सर, हम यहां पर आज जो बात करने के लिए आए हैं ना, सिर्फ अपनी डेट की मांग करने आए हैं, हमारी दूसरी हम बेरोजगारी पर भी बात की तो बात वो भी उठा रहा है, वो उठा रहे हैं उसका सर हम मुद्दा हम नहीं उठा सकते, हम यहां बेरोजगारी की भी बात सर हम राजनीतिक मुद्दा हम यहां पर बेरोजगारी की भी बात नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे कि बेरोजगारी चल रही है या हमें तो अपने एग्जाम की डेट दे दो, जो हमने भरा चाहिए कि जो हमने फॉर्म भरा है दे देंगे कि वो डेट दे दीजिए, उम्मीद है, नहीं तो उसका फिर परिणाम जो उन्होंने डेट अभी दी है उसके बाद वो फिर भुगतेंगे। कहा जाता जितनी उम्मीद थी मोदी जी से युवाओं की, क्या वो खरे उतर पाए उन उम्मीदों से? सर इस बारे में मैं फिर वही कहना चाहूंगा, लास्ट मुद्दा यही है कि यहाँ कोई भी स्टूडेंट पॉलिटिकल व्यू पे नहीं, बहुत मोदी जी से जो उम्मीद थी अभी मैं उनसे अभी शांतिपूर्ण धरना हमने दिया है, भूख हड़ताल अपनी रखी थी जिसके लिए उन्होंने दे दिया, हम इतना ही कहना चाहेंगे बस लास्ट में कि मोदी जी अगर इन युवाओं को अपना मान के वोट लेने अपना मान के गए थे तो वो इन्हें अपना ही मान के उनका हक उन्हें दे दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आप राष्ट्रहित पे कर रहे सही, आप जाति हित पे कर रहे सही, हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने एनटीपीसी की एग्जाम डेट चाहिए, वो 100% चाहिए। हमारे नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं, इसमें आपके कैमरा में भी दिख रहा होगा, ये मतलब 28 फरवरी को हमारा रिलीज किया गया है और 1 फरवरी से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, 31 मार्च से आपकी लास्ट डेट होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का टेक्निकल रीजन की वजह से छूट गया था फॉर्म भर पाना, तो रेलवे ने कहा कि भैया हम आपको टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना फर्स्ट स्टेज टेंटेटिवली शेड्यूल बिटवीन June to September 2019, ये जो हमारी पूरी मांग है आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे पोस्टर आपको दिख रहे होंगे, ये June to September 2019 आपने क्यों लिखा, जब आप नहीं करवा पाए, आपको यहाँ लिखना तो सिंपली 2019 को आपको 2020 कर देना था, आज हम लोग आपको यहाँ पे नहीं दिखते, तो हमारी बस इतना हम लोग कहना चाह रहे हैं कि आपका जो काम है, आपका नाम है क्या नाम है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड, आपके काम है भर्तियाँ कंप्लीट करना, तो आप अपने काम को सही से करें, ईमानदारी से करें, जैसे हम लोग स्टूडेंट, हमारा काम क्या है, पढ़ाई करना, हम कर, आप मीडिया, आपका काम क्या है, हमसे सवाल पूछना, आप सवाल पूछ रहे हैं, जो आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो रेलवे भर्ती बोर्ड अपना काम क्यों नहीं कर रही है, दिस इज आवर रियल क्वेश्चन। इसके लिए पूरा एक मंत्रालय बनाया गया है, रेलवे मंत्रालय है, काफी सारे पैसे खर्च होते हैं, 21 RRB इंडिया में बना हुआ है, उसमें आपके भी पैसे जाते हैं, हमारे भी पैसे जाते हैं, तो जब इसको इसी के लिए बनाया गया है सर, तो क्यों नहीं भाई, तो सवाल यदि वाई पता रोका जा रहा हो इनको, क्यों रोका, तो यही तो वो क्या करें ना, जो भी स्टेप करते हैं रोका जा रहा हो तो वेबसाइट पर आके बता दे कि सर हमें यहाँ से रोका जा रहा, ट्रांसपेरेंसी, यू आप लोग बात करते हैं मतलब डिजिटल इंडिया की, मतलब ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस की, तो आप हमें स्टेप बाय स्टेप, आप एक साल से सोए हुए हैं, पिछले बार एक बार नोटिस निकालते हैं कि अभी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल नहीं हुआ है इसलिए एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया, आज आप सामने आकर के बोलते हैं हम एक टेंडर निकाले एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी का, तो हम लोग अंधकार में कब तक रहे सर, बिना मंजिल के कब तक चले, आपको अभी हम यहाँ से कह देंगे धनबाद जाना है तो आपको पता तो है कि धनबाद जाना है, हम लोग को ये 2030 में होगा कि 2050 में होगा कि हम लोग मर जाएंगे, हम लोग को पता ही नहीं है,
कि नहीं होगा, ये नहीं होगा तो बोल दीजिए कि नहीं होगा। हम तो भर्ती आपसे मांगे नहीं थे, आप तो खुद आके भर्ती दिए हैं, तो आप लोगों ने भर्ती निकाला तो एग्जामिनेशन आपको करवानी होगी। दो करोड़ वाला जो मुद्दा था वो फेल हुआ ना। क्या तो करो, दो करोड़ प्रतिवर्ष जो रोजगारी की। अरे तो आपके सामने ना है सर, इसमें कोई कहने वाली बात है? नहीं नहीं, ये तो कॉमन सेंस है सर। ये पौने 3 करोड़ लोग इसमें फॉर्म भरे हैं और वैकेंसी कितनी है? एनटीपीसी के 35,000 है और ग्रुप डी के 1,00,000+ है। वो फॉर्म भरने की संख्या है रोजगार की? पौने 3 करोड़ लोग फॉर्म भरे हैं सर। तो मिला ही नहीं, वो फॉर्म भरने की संख्या।